नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में आपके पक्ष में उत्साहजनक नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आपकी शानदार एंट्री के बाद पूरे देश में आपका कारवां बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में आपके पक्ष में उत्साहजनक नतीजे आए हैं। हमने चुनाव में केवल शिक्षा व्यवस्था, बिजली, पानी की बात की है, और आगे क्या कुछ कर रहे हैं संजय सिंह, देखिए इस वीडियो में। आम आदमी पार्टी का कारवां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरे देश में बढ़ रहा है, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, वहां जब भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती थी हमें कोई बहुत ज्यादा समर्थन जनता का नहीं मिल पाता था। लेकिन इस बार जो नगर निकाय का चुनाव का नतीजा आया है वो बहुत ही उत्साहजनक, अच्छा और एक शानदार एंट्री उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की हुई है। लोगों ने बदलाव की राजनीति के लिए वोट देने का श्री गणेश किया है। लोगों ने झाड़ू चलाई इस बार, और पूरे चुनाव में हमने काम की बात की, दिल्ली के मॉडल की चर्चा की, अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, तीर्थयात्रा, ये सारे मुद्दों की चर्चा की। भगवंत मान जी की सरकार ने पंजाब में जो काम किया है उसकी चर्चा की। कोई सांप्रदायिकता नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई जाति धर्म की राजनीति नहीं, सिर्फ काम की राजनीति। नगर पालिका को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत। और इसके कारण से उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाओं की क्या ताकत होती है आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। वहां कोई पार्षद या सभासद के जरिए नगर पालिका के चेयरमैन नहीं चुने जाते, डायरेक्ट चुने जाते हैं। और इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जनता के द्वारा चेयरमैन का चुनाव होता है।